It is out of the world. It will blow your mind. This level of cinema is not happened in India till now. पता हिला के रख दिया है सलार ने, पता हिला के रख दिया है सलार ने। बहुत मजा आया, मतलब मैं गूज बम, मतलब जितना कम बोलूँ मतलब उतना, मतलब क्या बोलूँ, मतलब प्रभास की जो एंट्री, एक एक्शन सीन्स, मजा आ गया, लिटरली पैसा वसूल हो गया। हाँ, बहुत अच्छी लगी, अच्छी थी, अच्छा है। पार्ट 2 का वेट कर रहे हैं, पार्ट 2 का वेट कर रहे हैं। Movie is awesome. Movie is blockbuster. Darling Prabhas is back. I can tell you. Action is on next level. Now we are getting why this movie got an A-star. It's just because of his action. Action is top notch. प्रभास ने मतलब बहुत grand comeback किया है. प्रभास मतलब ऐसे रोल में मतलब अच्छे सूट होते हैं. ऐसा लग रहा है कि ये उसी के लिए रोल बना गया था. KGF जो हम लोग देख चुके थे, तो KGF के बाद अगर वो कुछ बनाने जा रहे हैं तो कुछ बड़ा होना चाहिए, तो वाकई में सब है। प्रशांत नील का जो स्टोरी बिल्डिंग रहता ना, दैट प्लॉट्स लाइक ही गिव इम्पोर्टेंस टू एवरी सिंगल कैरेक्टर, वो ये मूवी में भी दिखा जा रहा है। लाइक फर्स्ट हाफ से लेके सेकेंड हाफ तक एवरी कैरेक्टर हैज पुट एन इम्पोर्टेंट रोल। हर किसी को ये मूवी देखनी चाहिए। व्हाट अ इमोशन, एवरीथिंग इज वेरी नाइस। Fighting sequence, everything like DOP, superb he did, and all over movies blockbuster. 2000 crore is sure. Movies you can't leave single minute from movie. You can watch 100%. And Darling Prabhas is back. I can tell you. बहुत मजा आया, मतलब मैं गूज बम, मतलब जितना कम बोलूँ मतलब उतना, मतलब क्या बोलूँ, मतलब प्रभास की जो एंट्री, एक एक्शन सीन्स, मजा आ गया, लिटरली पैसा वसूल हो गया। मैं क्या बताऊँ, मतलब हर एक मूवमेंट में जब भी देख रहा हूँ कोई ना कोई मूवमेंट ऐसा आ रहा है कि मतलब मैं गूज़बम्प से, मतलब गूज़बम्प भी छोटा बॉर्डर में, और वही एक्शन सीन्स डाला है। और इस तरीके से काफ़ी टाइम से हम लोग जो इंतज़ार कर रहे होते हैं ना कि साउथ इंडस्ट्री हो चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, निखिल धमाल मचा रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट प्रशांत नील सर, द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स ही पुट्स इन स्टोरी टेलिंग, जो मास अमाउंट ऑफ बिल्ड करते हैं, जो सीक्वेंस बिल्ड करते हैं, उनके जैसा कोई बिल्ड नहीं कर सकता। कैरेक्टर बिल्डिंग और जो सपोर्टिंग कास्ट है उनका भी कैरेक्टर बिल्डिंग करना और उस लेवल को हाइप लेके जाना, प्रशांत सर यू नेल्ड इट दिस टाइम। बिग कमबैक, बिल्कुल ये जो निराशा जो हुई थी बीच में 2-3 फिल्मों से, बिल्कुल सब धो दिया उन्होंने। वो इस फिल्म में डायलॉग पे फोड़ डाला, तो वो फोड़ डाला उन्होंने। यही मैं बोल रहा हूँ, छोटे छोटे हैं वो एक्चुअली, उनको ज़्यादा डायलॉग्स दिए नहीं है, कम बात करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन उसी पे तालियां बज रही है। जी मुझे बहुत पैसा वसूल लगी। जिस टाइप की मूवी देखने आया था मैं वैसी ही लगी, मैं कुछ अलग एक्सपेक्ट करके नहीं आया था। और प्रशांत नील की हमेशा से खासियत रही है कि वो एक दुनिया बनाते हैं अपनी फिल्मों में, एक तरीके से प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को। उनका एक्शन जो रहता है ओवर द टॉप रहता है ऑब्वियसली, बस बहुत ही वेल एग्जीक्यूटेड रहता है, तो उसमें आप कोई भी वो पिन पॉइंट नहीं कर सकते।